ओम शांति। एक साधारण सा पीएम 12,000 रुपए महीने का कमाने वाला, उसके बेटे को मालूम पड़ गया कि पापा की लॉटरी निकली है 12,00,000 रुपए की। वो सोचने लगा कि पिताजी ने तो कभी 2,00,000 रुपए भी इकट्ठे नहीं देखे, और इकट्ठे 12,00,000 रुपए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके हार्ट पर या ब्रेन पर कोई इफेक्ट आ जाए, एकदम सुनेंगे कि 12,00,000 रुपए। तो वो एक डॉक्टर के पास पहुंचे, जिनके पास अक्सर वो दवाई वगैरह लेने जाते थे। तो उसने कहा, अंकल एक थोड़ा सा काम कीजिएगा, मेरे फादर की लॉटरी निकली है 12,00,000 रुपए की, और बहुत बहुत संघर्ष से वो एक सिंपल सी पीएन तक की पोस्ट पर आए हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से हमने बहुत गरीबी में गुजारा किया है, साइकिल भी नहीं होती थी हमारे घर में, और अब स्कूटर खरीदा है। तो 12,00,000 रुपए इकट्ठा सुनते ही उनको कैसा लगेगा? तो इसीलिए आप उनको थोड़ा तरीके से धीरे धीरे करके बताइएगा कि 12,00,000 की लॉटरी निकली है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनके कहीं दिल पर, हार्ट पर असर ना आ जाए। अब तक तो 50 साल की उम्र हो गई है उनकी। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। उन्होंने उसे बुलाया और बताने लगा, दिनेश अगर तुम्हारी 1-2,00,000 रुपए की लॉटरी निकल जाए तो क्या होगा? उसने कहा, डॉक्टर साहब अच्छा ही होगा, जो इधर उधर के काम पेंडिंग है थोड़े मोटे वो कर लूंगा, घर का लेंटर चेंज करवा लूंगा कमरे का, और कुछ और अच्छे काम कर लूंगा 2,00,000 रुपए में। तो उसने कहा कि सोच के देखो, मैं ही तुमको अगर 3-4,00,000 रुपए दे दूं। हंसने लगा वो दिनेश, हंसने लगे, कहते कि डॉक्टर साहब आप क्या दोगे, आप तो लेने के लिए ही तैयार रहते हो। नहीं हो पैसा तो भी आपकी फीस तो सामने है, देनी ही पड़ती है। फिर वो हंस के डॉक्टर ने कहा कि सोच के देखो थोड़ा सा और, अगर आपके पास 5-6,00,000 रुपए कहीं से आ जाए तो क्या करोगे? कहते ये क्या सोचने की बात है, 1-3,00,000 रुपए की गाड़ी ले लूंगा, थोड़ा धूप में बारिश में कहीं इधर उधर आने जाने में काम आएगी परिवार के, और कुछ और अच्छा घर का सामान ले लूंगा, कुछ फर्नीचर ले लूंगा। कहते अच्छा, और अगर आपको 10,00,000 रुपए मिल जाए, 11,00,000 रुपए मिल जाए कहीं से, अचानक समझो लॉटरी ही खुल जाए। उसने कहा 10-11,00,000 रुपए, अभी असली बात तो बताई नहीं थी, 12,00,000 तो अभी इतना ही बोला डॉक्टर ने। तो दिनेश जी कहते कि ये क्या सोचने की बात है, इतने कहां मेरी किस्मत कहां जी, बहुत संघर्ष से, बिल्कुल गिरते संभलते संघर्ष से जिंदगी चली है मेरी, इतने रुपए मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं, सोचो अगर मान लो 11-12,00,000 रुपए आपको मिल जाए, कभी भी लक्ष्मी माँ की कृपा हुई लॉटरी ही निकल आए। तो दिनेश ने हंस के कहा कि अगर ऐसा हुआ ना डॉक्टर साहब, आधे आपको दे दूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। अब आप सोचिए, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसे हम कहते हैं समस्थिति, कि बहुत सुखों की उम्मीद रखते हुए हवाई किले बनाते रहना, तो ऐसे में कहीं छोटी सी पिन लगेगी तो वो ढह भी जाएगा, है ना। किसी किसी बातें सुन के खुश हो जाना, प्रशंसा सुन के खुश होना, तो वो इतनी सी निंदा नहीं सुन सकते, इतनी सी बात सुनेंगे तो ऐसे होगा जैसे भरे हुए गुब्बारे में किसी ने पिन मार दी। तो समान स्थिति बनाने का अर्थ है अपने मन बुद्धि को इतना मजबूत बनाकर रखें कि बहुत खुशी की खबरें, खुशखबरी, अच्छी बातें भी हम आराम से सुन सकें, तो दुख चिंता की बातों में भी हमारा ग्राफ नीचे ना आ जाए, हम समान रहें। इसके लिए ही परमात्मा से दोस्ती करना, मेडिटेशन सीखना आवश्यक है, क्योंकि भगवान सागर है, और सागर जल्दी से किनारे तोड़कर
बाढ़ नहीं आती उसमें, किनारे तोड़कर बाहर नहीं निकलता है, तो समान स्थिति सुख दुख मान अपमान हानि लाभ में अपनी बनाना सीखें, आप निरंतर खुश रहने लग जाएंगे। ओम शांति।